हां जी, तो लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर, और मुकाबला खेला जा रहा है लखनऊ के एकाना स्टेडियम में नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बीच, जहां पे नीदरलैंड्स ने श्रीलंका को दिया है जीत के लिए 263 रन का टारगेट। कुंवर, टॉस के टाइम पे भी हमने ऐसी कुछ बात की थी कि नीदरलैंड सरप्राइज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा था कि सरप्राइज करेगा और वैसा ही सरप्राइज हुए भी। मतलब कि एक समय पे तो लग रहा था कि ये पारी कहीं 100-150 के नीचे सिमट जाएगी। मैं तो 150 से ज्यादा उस टाइम पे देख नहीं रहा था, आंख नहीं रहा था, क्योंकि जितने प्लेयर हमने पहले देखे जो परफॉर्म करते थे, वैन डी बीक थे उसमें विक्रमजीत सिंह थे, पहले जितने प्लेयर मैक्स ओवुड थे तो थोड़ा परफॉर्म कर रहे थे, एकरमैन थे, कॉलिन एकरमैन परफॉर्म कर रहे थे, नीचे कप्तान भी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आज तो आप देखिए कि दूसरे ही खिलाड़ियों ने आज चमत्कार कर दिया यार, 70-62 रन, धीमी पारी खेली है लेकिन अपनी टीम को एक ऐसे रीजनेबल स्कोर पर ले गए हैं जहां से मतलब कि अब श्रीलंका के लिए थोड़ा टफ कंपटीशन जरूर हो सकता है, और खासकर अगर इनकी स्पिन डिपार्टमेंट इनका चल पड़ा जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ चला था, तो थोड़ी वैंडरमार्क, तो थोड़ा सा गेम ये फंस सकता है अब। और मतलब कि बहुत ही मैं सराहना करना चाहूंगा नेदरलैंड्स की, क्या परफॉर्मेंस है टीम ने वर्ल्ड कप में, इतना ज्यादा मतलब कि सबको मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन से इंप्रेस किया ना सबको, हैट्स ऑफ टू देम। खुद देखिए आप, 71 पे टीम का चौथा विकेट गिरा था, उसके बाद 96 पे टीम के 6 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद एक साझेदारी लगी साइब्रेंड और लोवन वैनविक के बीच, 135 रनों की साझेदारी, जहां पे नीदरलैंड मुकाबले में वापस आता है। और क्या कमाल की पारी के लिए, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, साइब्रेंड ने 82 गेंदों में 70 रन, 4 चौके 1 छक्का, ऑलमोस्ट 86 रन का स्ट्राइक रेट। कुंवर, कहां पे आके उन्होंने पारी को बनाया, मतलब आपके सब बल्लेबाज आउट हो चुके थे तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स ने मिलकर पारी को बनाया। जी देखिए, बिल्कुल ऐसी ही एक पारी की उम्मीद होती है जब आपकी टीम ऐसे लड़खड़ा जाती है और पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो टीम को सिर्फ इतना होता है कि आप वहां पर डटे रहिए, आप अब टेस्ट क्रिकेट समझ लीजिए, आप वहां पर डटे रहिए, आप सिंगल सिंगल करके, जैसे इन्होंने पारी खेली, कोई ज्यादा ताबड़तोड़ पारी तो इन्होंने कोई शॉट्स इतने मतलब के एक्सीलेंट शॉट्स तो लगाए नहीं, लेकिन ओवर बल्लेबाजी की है इस जोड़ी ने, 24 ओवर ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स ने मतलब के 24 ओवर आपने मतलब कि अपनी टीम के निकाल दी, इससे ज्यादा पावर कुछ चाहिए। आप 24 ओवर में अगर सिंगल सिंगल भी ले रहे हो ना सभी बॉलों पे, तो भी आपका एक रीजनेबल स्कोर बन जाता है। तो मतलब कितनी समझदारी से और कितनी सूझबूझ से, मैं मतलब कि दाद दूंगा मैं मैनेजमेंट की भी, क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछली बार भी देखा था, ये पीछे पर्चे भेजते रहते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में देखा होगा पर्चे आते हैं वहां पर, हर किसी की ट्रिक लिखी थी, इसको ये गेंद डालनी है, उसको वो गेंद डालनी है, आपने डिकॉक को ऐसे का आउट करना है, क्लासेन को ऐसे, माक्रम की ये रणनीति, हर किसी की, तो मतलब कि मैनेजमेंट की और कप्तान की भी एक अच्छा रोल यहाँ पे देखने को मिला। और नेदरलैंड्स टीम ने बिल्कुल बहुत इंप्रेस किया ये वर्ल्ड कप में, मतलब कि अंडरडॉग्स नहीं रहे हैं ये, अब मतलब इन्होंने भी अपना आगाज, जैसे अफगानिस्तान ने किया था ना अपने आगाज का ऐलान, वैसा इन्होंने भी अब ऐलान कर दिया है कि हम आ गए हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं। श्रीलंका के सामने 263 का टारगेट है, और कुशन रजिता इन्होंने बड़ी कमाल की गेंदबाजी की, युवा तेज गेंदबाज, 9 ओवर 50 रन खर्चे, 4 विकेट बिन के खाते में आए, और अच्छी गेंदबाजी यहां पे देखने को मिली दिलशान मधुशंका की भी, उन्होंने भी काफी अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग की, उनके खाते में भी 4 विकेट आए, 10 ओवर 1 मैडन 49 रन, 4 विकेट इनके खाते में। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या 263 रन श्रीलंका बना पाता है। लक्ष्य भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या फायदा है 4 विकेट का, क्या फायदा 49 रन देने का, जब सामने वाली टीम लखनऊ के मैदान पे 262 रन का विनिंग स्कोर बना जाए। क्योंकि हमने देखा था साउथ अफ्रीका और अगर उसका ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा हो, 280 के करीब रन थे, एक तरफा मुकाबला जीत गया था साउथ अफ्रीका। और नीदरलैंड की उसकी ताकत क्या है, तेज गेंदबाजी तो उसकी ताकत है, अगर श्रीलंका के 2 तेज गेंदबाज 4-4 विकेट ले रहे हैं तो आप सोचिए नीदरलैंड ने यहाँ पे मैच विनिंग स्कोर बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ी पिच इनको गेंदबाजों को फायदा भी देगी अब, और मतलब कि जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी पिछले मैच में भी रही है, ऑल आउट ये साउथ अफ्रीका की टीम को करके आए हैं, साउथ अफ्रीका की टीम जिसमें मतलब कि ऐसे बल्लेबाज है और ऐसी फॉर्म से आ रहे थे क्विंटन डिकॉक, उससे पहले 2 मैच में लगातार 100 जड़ के आ रहे थे, और वहां पर अगर हम बात करें तो सभी खिलाड़ी मतलब इतनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के ऐसा लग रहा था कि अनडिफिटेडली ये तो क्वालिफाई करेंगे सीधा सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन उनको उन्होंने ऑल आउट किया था इसी टीम ने, इसी स्क्वाड ने, तो मतलब श्रीलंका को भी आप मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि श्रीलंका में मैंने देखा है तो बैटिंग में थोड़ा सा उनका रहा ही अभी डामाडोल, बैटिंग में सिस्टम उनका, आप वर्ल्ड कप का पूरा आप देख लीजिए,
तीन मैचेस में उनकी बैटिंग में कुछ खास किसी ने इंप्रेस किया नहीं है, बस कुशल मेंडिस से मैं थोड़ा इंप्रेस्ड हूं, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ दिखा नहीं उसमें फॉर्म। कुशल मेंडिस के अलावा पिछले मैच में कुशल परेरा थे, पातुम निसंका थे, लेकिन एक मैच में चले, दो मैचों में फ्री फ्लॉप। कुशल मेंडिस को अलावा किसी भी बल्लेबाजी श्रीलंका बल्लेबाज ने वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि कप्तानी का प्रेशर उनके ऊपर नजर आया पिछले मैच में मेंडिस के, और आज टॉस के बाद भी उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, वो भी तब जब आपका स्टार प्लेयर बाहर हो जाए, ऑलराउंडर बाहर हो जाए दर्शन शर्मा का, और आप तीन मैच हार चुके हो, आपके ऊपर तलवार लटक रही हो कि आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे सेमीफाइनल के लिए, ऐसे में प्रेशर और बन जाता है। लेकिन कुंवर अब चाहिए आपको एक सॉलिड स्टार्ट, पातुम निसंका कुशल परेरा दोनों ही वो स्टार्ट दिला सकते हैं टीम को, लेकिन बात यह कि फॉर्म दोनों की मिली जुली सी रही है। जी देखिए, इस समय श्रीलंका का यही अभी होगा आपके लिए कि आपने देखिए अपने छोटे एक ठीक ठाक अपने स्कोर पे आपने उनको सिमट मतलब कि आउट कर दिया है, लेकिन अब आपके ऊपर सबसे बड़ी चीज है कि आपकी स्क्वाड जो आपकी है, पहले चार बल्लेबाज हैं आपका जो मतलब कि टॉप ऑर्डर रहा है वो इतना कंसिस्टेंट रहा नहीं है, अब आपके पास मौका है, आप अपनी फॉर्म में वापस आ जाइए, धीरे धीरे खेलिए, अच्छी गेंदें भी खेलिए ताकि आप भी फॉर्म में है, आपको आगे के मैचेस के लिए भी आपको ये फायदा करेगा। लेकिन अगर आप वही बेवकूफी करेंगे, आप जल्दी से आउट होते जाएंगे और आप मतलब के मारने को दिखेंगे सेट होने, हाँ ये बात गवा देते हैं जी बिल्कुल, तो सेट होने के बाद आपको लंबी पारी खेलने के लिए सोचना चाहिए, और अच्छा मौका भी है श्रीलंका के लिए भी, आप अच्छे से इसको परफॉर्म करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपको आप बैक इन फॉर्म आ सके, आपकी जो खिलाड़ी हैं थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं आप बैक इन फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन वहीं थोड़ी मुश्किलें जरूर होंगी, और नेदरलैंड्स की जो तेज गेंदबाजी है जरूर थोड़ी मुश्किलें जरूर पैदा करेंगी, और मैं इससे अचंभित नहीं हूंगा कि पहले अगर 5-6 ओवर में एक दो विकेट अगर लुढ़क जाए श्रीलंका के तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूंगा, मैं ये मानता हूं कि हो सकता है। नहीं, आपने टॉस के टाइम पे कहा था कि बाजी लीडे जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी गेंदबाजी भी की है, और टूर्नामेंट में करीब 6-7 विकेट भी ले चुके हैं, अच्छी बॉलिंग वो लगातार कर रहे हैं, तो यानी कि पूरी टीम जो डिपेंडेंट होगी उनके ऊपर होगी, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा रहा है नीदरलैंड्स का कुंवर आर्यन दत्ता स्टार्टिंग ओवर लेकर आते हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं और हर मैच में 2-2 विकेट तो लेके ही जाते हैं। आज के मैच में लखनऊ के विकेट पे हमने देखा है कि स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है, ऐसे में आर्यन दत्ता आपके पास है, वेंडर मर्व आपके पास है, उसके अलावा तेज गेंदबाजी में लोवान बेनविक और बास डी लीडे, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि श्रीलंका थोड़ी कमजोर है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा दारोमदार एंड मर्व के कंधों पर भी होगा, और आर्यन दत्त जैसे हमने बताया सच में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और मतलब स्पिन पे आप देखिए लखनऊ में स्पिन पे फायदा जरूर होता है, और आपके पास फायदा ये चीज का है कि आपके पास जो गेंदबाज अभी हैं वो पिछले मैच में बड़ी दिग्गज खिलाड़ियों की विकेटें लेकर आए हैं और मैच जिता के आए हैं, तो वो एक जो बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हाँ जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जो मोटिवेशन होती है वो अलग ही होती है, तो मैं मानता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं ये मैच फंस सकता है और मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने वाला। लेकिन श्रीलंका स्पिनर की बात करें महेश दीक्षाना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में इनको लेकर बात हो रही थी, एशिया कप में इनको लेकर बात हुई कि श्रीलंका का अगर कोई खिलाड़ी जिता सकता है, चैंपियन बना सकता है तो महेश दीक्षाना है, लेकिन 10 ओवर 44 रन, 1 ही विकेट इनके खाते में आया, पूरे टूर्नामेंट में मैच था, पाकिस्तान के खिलाफ भी 1 ही विकेट मिला था, वो चीज नजर नहीं आ रही है इनके परफॉर्मेंस में, हसरंगा की कमी खल रही है श्रीलंका पे कुंवर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हसरंगा की कमी जरूर खल रही है, और मैं तो वही कह रहा था कि तीक्ष्णा पे हमने इतना मतलब उनको तो इतना ऊपर आंका हुआ था हमने एशिया कप में भी और इसमें भी कि यार तीक्ष्णा ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, मतलब कि एक टीम के लिए इनके लिए ट्रम्प कार्ड सेट हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी स्पिनिंग पिच है और यहाँ पर आपको एशियाटिक कंडीशंस में आपको काम आएगा वैसा खेलना, लेकिन दिखा नहीं, वो जादू दिखा नहीं। प्रेशर भी बनता है गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि जब उसको लगता है कि जैसे पिछले दौर में होता था श्रीलंका के ऊपर लसित मलिंगा या मुरलीधरन थे वही मैच जिताएंगे, ऐसा प्रेशर तीक्ष्णा ले रहे हैं कि मैं ही वो स्पिनर हूँ, वो प्रेशर उनके ऊपर हावी हो रहा है। जी देखिए बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूँ ये चीज बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल उनके ऊपर है, उनके कंधों पे प्रेशर वो आ रहा है, वहीं आप कुशल मेंडिस पे देखेंगे तो उनके ऊपर भी यही चीज वो थोड़ी फेस कर रहे हैं कि प्रेशर, क्योंकि पूरी टीम क्या होता है, पूरी टीम अगर इवनली परफॉर्म करेगी ना, सारी टीम जैसे भारतीय टीम है इस समय, हर खिलाड़ी अगर पहले दो खिलाड़ी शुभमन गिल और रोहित शर्मा चले भी जाते हैं ठीक है, तो नीचे के जो हमारे खिलाड़ी हैं हमें वो भी मैच जिता के चले जाते हैं, केएल राहुल और विराट कोहली भी खेल लेते हैं, अगर वो दोनों नहीं खेले तो श्रेयस अय्यर भी पारी संभाल लेते हैं, और ऐसे मौके भी हुए हैं कि रविंद्र जडेजा और ईशान किशन या फिर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने भी पारी संभाली है, तो आपके हर क्रम के जो
गेंद बल्लेबाज है वो आपकी पारी संभाल रहे हैं। और वहीं पे गेंदबाजी में भी अगर आप देख लें तो गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह अपना काम पूरा कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी अपना पूरा काम कर रहे हैं, और कुलदीप यादव तो जो ट्रंप कार्ड्स इस बार साबित हो रहे हैं तो वो तो हो रहे हैं। वहीं मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो भी हमने मैच देखा था श्रीलंका के खिलाफ जब 7 विकेटें निकाल दी थी। तो ये है कि हर खिलाड़ी परफॉर्म जब करता है ना आपका खिलाड़ी तो आपकी टीम थोड़ा ईज से खेलती है, आपकी टीम अच्छे से खेलती है। जो नेचुरल गेम है, जैसे रोहित शर्मा का जो नेचुरल गेम है थोड़ा आके हिट करने का गेम है, वो अभी वो गेम इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे बल्लेबाज हैं। पहले हम देखते थे यही चीज से हम थोड़ा खफा भी थे एशिया कप में स्टार्टिंग में कि जो रोहित शर्मा है अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं, इसके कारण वो रुक रहे थे, बॉल थोड़ी बल्ले पे अच्छे से आ नहीं रही थी और प्रेशर भी ले रहे थे और आउट हो जाते, अपनी विकेट गवा देते थे। लेकिन जब से उन्होंने अपनी नेचुरल गेम, जो नेचुरल गेम उनकी है हिटिंग वाली गेम, उन्होंने दोबारा खेलनी शुरू करी, उनका जो फ्लो है आप देखिए कितना अच्छा फ्लो आया है और हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस श्रीलंका टीम में वो नजर नहीं आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नीदरलैंड्स की टीम में है, उनकी बॉलिंग में है और खासतौर पर उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड, उन्होंने बड़ा प्रभावित किया है जिस तरह की कि वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह से बॉलिंग बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। साउथ अफ्रीका वाला मैच हो गया और आज भी देखना दिलचस्प रहेगा कि वो किस तरीके से अपने बॉलर्स को रोटेट करते हैं। फाइनल कॉल कौन जीत रहा है? जी देखिए, मैंने तो पहले भी यही कहा था कि मुझे नीदरलैंड्स का पलड़ा भारी लग रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है और रीजनेबल, मैंने पहले कहा था 300 के करीब, आपने 260-70 के करीब ही कहा था और उतना ही आपके अकॉर्डिंग तो बना भी है। लेकिन मैं अभी भी अगर मैं कहूँ तो मैं देखता हूँ कि नीदरलैंड्स के ऊपर मेरे बैट्स रहेंगे, नीदरलैंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं भी नीदरलैंड्स को मान के चला हूँ। लक्ष्य ने भी कहा था कि नीदरलैंड्स जीतेगा, अब देखते हैं कि श्रीलंका 263 चेज कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि पाथुम निसंका के ऊपर ये टीम बहुत तक डिपेंड करेगी, कुशल मेंडिस है इस टीम के पास। लेकिन श्रीलंका अगर ये मैच हार गया तो इनकी लगातार चौथी हार होगी और अभी तक खाता खुला नहीं है। पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर ये टीम है, नीदरलैंड्स 8वें नंबर पर है, 3 में से 1 मैच जीता है, 2 हारे हैं। आज का मैच अगर जीते तो बांग्लादेश से ऊपर चले जाएंगे, 7वें नंबर पर चले जाएंगे और एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप देखेंगे आपने बांग्लादेश को पीछे किया है, बांग्लादेश की गिनती एशियाई कंडीशन में तो टॉप की टीमों में होती है। जी बिल्कुल, देखिए टॉप की टीमों में होती है और वहीं मैं कहूँ श्रीलंका के लिए मैच जीतना जरूरी भी